थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो छोटा हो गया। हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले थे, यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक जो बताया अभी आपको, डी ब्रॉगलिस थ्योरी वर्सेस बोस क्वांटाइजेशन थ्योरी, उसके बाद हम लोगों को न्यूमेरिकल ही देखना है। तो देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, और आप लोग खुद से भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, आपके पास बुक्स है उसको बनाएंगे, और डाउट प्रॉब्लम्स जो होगा उसको चैप्टर के लास्ट में, क्योंकि अब हम लोग लास्ट टॉपिक क्वांटाइजेशन एक क्वांटम नंबर में जाने वाले हैं, और क्वांटम नंबर बताएंगे चैप्टर एंड होगा, तो फिर आपका क्वेश्चंस जो डाउट होगा वो डाउट लेंगे। और बहुत सारे आपके मित्र लोग छूट रहे हैं, क्लास में कंटिन्यू नहीं है, बहुत बाद में जुड़ रहे हैं ग्रुप में, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करें वीडियो को, मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक करें, ताकि सारे लोगों तक ये बात पहुंच सके, आपके मित्रों तक ये बात पहुंच सके, और जो लोग भी दूर दराज बैठे हुए हैं उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जा सके, और वो लोग भी क्लास में अपीयर हो जाएं, क्योंकि जो भी क्लास हो रहा है वो छूट रहा है, और 11th का ही चल रहा है तो छूट रहा है, और हमारा ये कोशिश है कि हम 11th चलते तक मैक्सिमम से मैक्सिमम लगभग सारे लोग जुड़ जाएं ग्रुप में, आपके जितने मित्र हैं ये सब लोग जुड़ जाएं, ताकि 12th स्टार्ट करने के बाद हमको ये दिक्कत फील नहीं हो कि हमारे कुछ बच्चों का क्लास छूट गया, इस तरह का हमको नहीं लगे, नहीं तो लगेगा ऐसा कि कुछ बच्चे तो पढ़ाए 12th जरूर, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें क्लास नहीं कर पाए तो दिक्कत होगी, इसलिए 12th अभी चल नहीं रहा है, 11th का बचा हुआ पार्ट निकाल रहे हैं, ऑर्गेनिक भी शुरू करना है, इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट करना है, जब तक लॉकडाउन खुल नहीं जाता है तब तक हम लोग तो ऑनलाइन ही हैं, इसलिए मैक्सिमम बच्चे जुड़ जाएं, आपके जितने भी क्लास में थे वो सब लोग जुड़े हुए नहीं हैं, बहुत बाद में, बहुत दिन दिन पे लोग कॉल कर रहे हैं, कैसे कैसे पता चल रहा है, तो आप लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लिंक करें, ताकि बच्चों तक ये मैटर पहुँच जाए कि क्लास केमिस्ट्री का चल रहा है, और हमको जब ये लग जाएगा पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो सारे बच्चों का अटेंडेंस है, तो पता चल जाए कि हाँ सारे बच्चे लिंक हो गए, तो फिर 12th भी स्टार्ट करने में मज़ा आएगा, ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करने में मज़ा आएगा, और हमारी कोशिश है, आप लोग क्लास कर रहे होंगे कंटिन्यू, तो मेरी कोशिश है कि एकदम ऑफलाइन के तरह ही आपको ऑनलाइन क्लास भी दिया जाए, और आप देख रहे होंगे कि हम हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमारे पास व्यवस्था मौजूद है उस व्यवस्था के अंदर ही हमारी कोशिश है कि आपको बेस्ट दिया जाए, और हर क्वेश्चंस या थ्योरी को बताने के दौरान जहाँ भी कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है, कुछ लिख रहे हैं, तो पहले हम उसको 10 बार बोल रहे हैं आपके पास, ताकि आप सुन सकें, इसलिए दिक्कत आपको कहीं नहीं है, आप ध्यान से सुनिए तो आप क्लियर नोट्स तैयार कर सकते हो, और नोट्स तो तैयार कीजिए, और मेरा कहना यही है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को ये इन्फॉर्म करें शेयर के थ्रू, क्योंकि आपके पास भी नंबर नहीं होगा, हमारे पास नंबर था, हम मैसेज किए बच्चों को, लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं, ऑर्गेनिक स्टार्ट करना है, इनऑर्गेनिक स्टार्ट करना है, 12th स्टार्ट करना पड़ गया, तो बहुत सारे बच्चों का छूट जाएगा, इसलिए आप इसको शेयर करेंगे, लिंक करेंगे बच्चों को, लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे, तो सारे बच्चों तक पहुंच जाएगा मैटर कि किसका क्लास चल रहा है, कौन सब्सक्राइब किया, कौन लाइक किया, क्योंकि बच्चे आजकल यूट्यूब पे हैं तो लोग सर्च करेगा, जैसे ही तो दिखेंगे हम, तो वो भी हमारे पास इन्फॉर्म करेगा कि हमको भी जुड़ना है, तो भी जुड़ जाएगा, इस तरह से आप ये करें, आपके लिए ये एकदम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने लिए नहीं मेरे लिए करें, ताकि मेरा बहुत सारा बच्चा नहीं छूटे, क्योंकि अगर छूटता है तो तकलीफ हमको होगी,
कि मेरे बहुत सारे बच्चे छूट गए ऑनलाइन क्लास में और हम पढ़ा दिए, तो ऐसा ना हो, सारे मित्र आपके इसमें ज्वाइन कर लें। तो आगे देखें हम लोग क्वेश्चन। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, जिस तरह क्लास में क्वेश्चन करवाते थे उसी तरह से यहाँ भी हम आपको करवा रहे हैं, ताकि कुछ फार्मूला का एप्लीकेशन आपको पता चले, कैसे बनाना है क्वेश्चंस को ये आपको पता चले और आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। क्लास में कैसे आपको कहते थे कि ये बुक बना के आओ, SLG बना के आओ, RCM बना के आओ, ये आपसे बोला गया, तो उसी तरह आपको वहाँ पे एकदम प्रॉपरली उसी रूटीन में बनाना है और जो डाउट हो उसको कलेक्ट कर लेना है और कलेक्ट करके फिर उसको हमारे पास चैप्टर समाप्त होने के बाद ग्रुप में भेज देना है, फिर उसका एक क्लास हो जाएगा। तो इस तरह से करना है। यहाँ देखें, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी, लास्ट में एक टॉपिक बताए थे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना, जिसका फॉर्मूला क्या दिए थे कि डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स अपॉन 4π, याद होगा। तो अनसर्टेनिटी जैसे ही आया तो मेरा ध्यान इस फॉर्मूला पे जाना चाहिए। अब देखिए, इन वेलोसिटी ऑफ ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, यानी मास दिया हुआ है, तो मोमेंटम को चेंज कर लें, डेल एक्स इंटू मास इंटू डेल्टा वी, मोमेंटम चेंज हो गया, फार्मूला मतलब फार्मूला लिख दिए मोमेंटम को हटा के, मास इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स अपॉन 4π। देखिए यहाँ मास मालूम है 150 ग्राम। इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, यानी क्या दिया है, डेल्टा एक्स 1 एंगस्ट्रम दिया हुआ है ना, और मास यहाँ देखिए ग्राम में दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप ग्राम में यूज कीजिएगा मास, तो h जो वैल्यू है h का वो अर्ग में लीजिएगा, और अगर आप डेल्टा x यहाँ पे लेंगे तो वो भी सेंटीमीटर में लेंगे, और फिर यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, तो डेल्टा भी निकाल लेंगे, यूनिट एक होना चाहिए, एक ही यूनिट में वैल्यू रखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे 10^-10 मीटर में रख देते हैं इसको, और m का वैल्यू यहाँ पे इसको केजी में बदल दें, तो 0.15 kg हो जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, इंटू डेल्टा भी चाहिए और ग्रेटर इक्वल टू 6.625 × 10^-31 जूल में लिखते हैं, अर्ग में बदलिए, तो यहाँ क्या कीजिएगा 10^7 से इसको गुणा कर दीजिए, यूनिट हो गया अर्ग सेकेंड बाई 4π, तो पाई का वैल्यू 3.14। यहाँ पे 21 है और 7 घटाएंगे आप, तो 11 से 7 गया 4 और 2 24, है ना, -24, ये केजी में लिए थे ना, तो केजी में लिए थे तो यहाँ जूल में लीजिए, अर्ग में नहीं लेना है, जूल में लेना है, किस में लेना है, जूल में, क्योंकि केजी में बदल लिए हैं, है ना। तो यहाँ पे एक ही यूनिट में रखना है, हम यहाँ पे लगा कि इसको बदल लिए, नहीं बदले हैं, ग्राम में रखे हैं, तो यहाँ अर्ग लेना होता अगर ग्राम रखते तो, लेकिन यहाँ क्या लिए हैं, इसको बदल कर रखे हैं केजी में, तो इसको जूल में ही रहने दीजिए, और 4 × 3.1 π का वैल्यू। अब आप यहाँ से डेल्टा भी निकाल लीजिए, कहाँ कुछ है प्रॉब्लम में, खाली फॉर्मूला तो है, टर्म समझना है, डायरेक्ट फॉर्मूला रख देना है, क्वेश्चंस का लैंग्वेज समझना है, फॉर्मूला रख देना है, बस पकड़ना ये है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होना चाहिए। अब आप सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकेंड है कि द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल
अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल व्हेन द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज when the uncertainty in momentum is a way 10 to the power minus 3 or gram centimeter per second. ये मोमेंटम दिया हुआ है ना, और बी में जीरो, क्लियर है? ये क्वेश्चन है आपका। देखिए फॉर्मूला वही लगना है, सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है हाइजेनबर्ग पे। तो देखिए यहां पे द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन बताना है, वेलोसिटी बताना है, पोजीशन बताना है, वेलोसिटी बताना है। कब? व्हेन द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज, ए में है क्वेश्चन आपसे कि 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, और बी में है जीरो। फॉर्मूला है आपके सामने डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स अपॉन 4 पाई। मोमेंटम ये है, देखिए यहां पे यूनिट फिर ध्यान दीजिएगा ग्राम सेंटीमीटर, तो इसको आप अर्ध में रख दीजिए और पोजीशन यहां से पता चल जाएगा। तो आप डेल्टा एक्स निकालिएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, 34 होता है ना, माइनस 34 होता है। उस फार्मूला में भी देखिएगा क्वेश्चन में यहाँ वैल्यू 31 क्वेश्चन में आप यूज कर दिए हैं 6.625 एच का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है, ये होता है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ 27 आ जाएगा क्योंकि 7 इसमें जोड़िएगा 10 टू द पावर 7, तो माइनस 27 ये अर्ग सेकेंड, अर्ग सेकेंड एच का वैल्यू, और बाई कर दीजिए यहां 4 × 3.14 है ना बाई का वैल्यू। और यहां मोमेंटम, ये जो मोमेंटम है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में ही रहने दीजिए क्योंकि हम इसको बदल दिए हैं अर्ग सेकंड में। डेल्टा एक्स निकल कर आएगा सेंटीमीटर में, तो ये जो डेल्टा एक्स आएगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ गया। अब देखिए कर रहा है बी में, ये ए के लिए हुआ, बी में देखिए कर रहा है कि जब मोमेंटम जीरो कर दिया, आप बताइए डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी कीजिएगा, तो यहां मोमेंटम जीरो है, मोमेंटम क्या रखती है जीरो, तो ये पूरा वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा ना, तो अनसर्टेनिटी चेंज इन पोजीशन इनफाइनाइट हो जाएगा, समझ रहे? फिर उसी तरह से आइए वेलोसिटी के केस में, तो यहां पे वेलोसिटी के लिए ये समझ गए, लास्ट क्वेश्चन जो बताए हैं वहां पे वैल्यू देख लीजिएगा, यहां माइनस 31 रख दिए थे इसका एच का वैल्यू, वो गलती से माइनस 34 रखिएगा, वहां करेक्शन कर लीजिएगा। यहां देखें हम लोग
अब निकालना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, है ना, पोजीशन निकाले, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी निकालिए फिर। मास इनटू डेल्टा भी है ना, मोमेंटम को चेंज कर दिए, एच अपॉन 4 पाई। अब आपको ये जो पोजीशन मास लेना है पार्टिकल है, तो यहां पे वेलोसिटी चाहिए, डेल्टा भी चाहिए, और यहां पे इसका मास क्वेश्चन में दिया है, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, तो यहां तो मास नहीं दिया, मास किसका लेंगे, यहां पे अगर हमको वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी निकालने के लिए इसका पोजीशन आप निकाले हैं दोनों केसेस में, है ना, ये जो है आप निकाले ना इसका वैल्यू डेल्टा एक्स का मोमेंटम रख करके, तो वेलोसिटी निकालना है तो मास चाहिए, तो डेल्टा भी इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा एक्स। ए के केस में जो डेल्टा एक्स निकाले आप यहां रखिए, और मास इलेक्ट्रॉन का लीजिए, किसका, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का, यहां पे मास रखिए, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कितना 9.1×10⁻³¹ केजी में होता है, इसको ग्राम में लाना है, 1000 से गुना कर दीजिए, है ना, तो 1000 से गुना कीजिएगा 10⁻³, तो -28, ये यहां रख दीजिए। डेल्टा एक्स आप निकाले हैं ए के केस के लिए अलग और बी के केस के लिए अलग, जो डेल्टा एक्स आप निकाले हैं वो यहां रखिए, ए के केस का डेल्टा एक्स रखिएगा तो डेल्टा भी ए के लिए आएगा, ए के केस के लिए, और बी के केस का डेल्टा एक्स रखिएगा तो बी के केस में डेल्टा भी का वैल्यू निकलेगा, डेल्टा भी दो वैल्यू निकलेगा, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट करके बताइएगा, क्लियर है प्रॉब्लम। अब इसके आगे और भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इसमें, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, देखें यहां पे थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए पार्टिकल ये क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर लिए हैं, ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए हैं जो अभी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ द फिएट ऑफ द फिएट एंड फरारी रेसिंग कार्स आर रिकॉर्डेड टू प्लस माइनस 4.5×10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड
एज्यूमिंग द ट्रैक डिस्टेंस टू बी ट्रैक डिस्टेंस टू बी नोन विद इन नोन विद इन प्लस माइनस 16 मीटर. क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल violated for the 35 kg car violated for 3500 kg car. ये question, तो question को आप देखेंगे, question है आपके सामने कि स्पीड जो है कार का, यानी फिएट और फरारी, फिएट एंड फरारी रेसिंग कार्स, द स्पीड ऑफ फिएट एंड फरारी रेसिंग कार्स, मतलब फिएट और फरारी दो कार है और इसकी स्पीड काउंट की जा रही है. ये कह रहा है क्या कि एज्यूमिंग ट्रैक डिस्टेंस टू बी नोन विद इन, ये यानी दोनों जो चल रहा है एक दूसरे के रेसिंग में, वो डिस्टेंस दोनों के बीच का लगभग ये है प्लस माइनस 16 मीटर. आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इज द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है डेल एक्स डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, इसके बारे में आपसे कहा गया कि ये वही एप्लीकेबल है इक्वेशन जहां पार्टिकल मास लेस हो. डेफिनेशन में देखिए लिखा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इवन एटम लाइक पार्टिकल, तो ये जो है आपको फॉर्मूला मासलेस पार्टिकल के लिए. क्वेश्चन कह रहा है कि 3500 kg का अगर कार हो और ये दोनों कार के बीच का ये जो ट्रैकिंग डिस्टेंस है वो ये है और स्पीड ये है, तो आप बताइए कि क्या ये फॉर्मूला, यानी ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये इतने मास के कार के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है. तो आप देखिए, आप यहाँ पे सबसे पहले जो स्पीड है, ये स्पीड है और ये पोजिशन है. यहाँ पे आप स्पीड और पोजीशन जो पार्टिकल का है, इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इससे पता क्या चल जाएगा, मास रखेंगे इसकी वेलोसिटी यहां से काउंट कर ले, मास 35 kg आपका कार है तो उसकी वेलोसिटी यहां से आप काउंट करेंगे, उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए ये मालूम है ना, ट्रैकिंग डिस्टेंस ये है तो इसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए. अगर इसकी वेलोसिटी दिए हुए वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी दिए हुए वेलोसिटी से कम है तब तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा, और अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वैलिड हो जाएगा क्योंकि ये हैवियर मासेस हैं. तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ गए कि कार जो फिएट है फरारी है वो इस स्पीड से चल रहा है और ट्रैकिंग डिस्टेंस ये है, अनसर्टेनिटी डिस्टेंस मालूम है, वेलोसिटी मालूम है. आपको ये बताना है कि क्या ये फॉर्मूला यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इतना केजी के कार के लिए वैलिड है या इनवैलिड है, फॉर्मूला ये अप्लाई करना है. तो आप इसको ट्राई करके देखेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताते हैं और कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे और फिर हम लोग क्वांटम नंबर पे आ जाएंगे. ठीक है, तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं.